Welcome to Omsai Cooking Classes and this is Seema Gavare Patil from Nasik. Nasik में हम cooking classes लेते हैं, लेकिन उसके साथ all over world हम देते हैं 80 plus cooking courses. So आज जो recipe मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये है फराली उपवास का या व्रत वाला ढोकला, आप जिसे बोल सकते हो. तो इस नवरात्र में आप बनाइए ये उपवास वाला ढोकला. तो देखते हैं हमें क्या क्या लगेगा. ये हमने लिया है 200 ग्राम सामा, ओके, जिसको भगर बोलते हैं या सामा के चावल बोलते हैं, और 50 ग्राम हमने लिया है साबूदाना. और अगर आप कप वाइज देखोगे तो 1 कप भगर है और 1/3 कप साबूदाना मैंने लिया है. आप ग्राम से भी ले सकते हो, कप से भी ले सकते हो. सो अब हम इसे पीस लेते हैं. तो अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बाउल में. अब हम साबूदाना को भी पीस लेते हैं. अब हम इसे निकाल लेते हैं उसी बाउल के अंदर. अब हम इसे पहले तो मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ओके. अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे पानी और दही. अब पानी कितना लेना है, जो 1/4 कप है ना, पहले हम 2 कप डालने वाले हैं, फिर उसके बाद देखेंगे. ये मैंने 1/4 कप पानी डाला है, 1/4 वाला कप, और एक और मैंने 1/4 कप पानी डाला. मैंने अब तक 1/2 कप पानी डाला है, और इसमें हम दही डालने वाले हैं 3/4 कप, मतलब पानी 1/2 कप और दही 3/4 कप, लेकिन मुझे पानी आगे जाके लगने वाला है. ये 1/4 कप दही डाला मैंने, उसके बाद ये दूसरा 1/4 कप और ये तीसरा 1/4 कप. अब होता क्या है, जब हम दही डालते हैं ना, तो किसी के दही में बहुत पानी होता है, कोई दही बहुत गाढ़ा होता है. तो अगर आपका दही गाढ़ा है तो आपको पानी थोड़ा ज़्यादा लग सकता है. अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक की पेस्ट. उसके बाद आपको हरी मिर्ची की पेस्ट डालना है 1 टीस्पून, लेकिन मैं अभी यहाँ चॉप करके डाल रही हूँ. मैं सजेस्ट करूँगी कि ग्रीन चिली की पेस्ट डालिए. और हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक. अगर आप नमक नहीं खाते हैं तो आप यहाँ सेंधा नमक डाल सकते हो. और अब हम इसे इन सारी चीज़ों को पहले करेंगे मिक्स. मुझे यहाँ पानी लगने वाला है, लेकिन पहले आप इतना ही पानी डालोगे, क्योंकि हर दही में कम ज़्यादा पानी लगता है. अब तक मैंने 1/2 कप पानी 3/4 कप दही डाला था. और मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ. तो टोटल मैंने 3/4 कप पानी और 3/4 कप दही डाला है. और अब हम क्या करेंगे, इसे मिक्स कर लेंगे, ओके. इतना परफेक्ट कंसिस्टेंसी है. अब मैं इसमें डालने वाली हूँ तेल. यहाँ आपको लगेगा 1 टेबलस्पून ऑयल. अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून ऑयल, ओके. और अब मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी 15 मिनट के लिए, ओके. तो जब तक ये 15 मिनट रेस्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे, स्टीमर रख देते हैं. अब हम स्टीमर में पानी डाल के इसे गर्म करने के लिए छोड़ देते हैं. जब इसमें स्टीम आ जाएगी तब हम ढोकला रखना स्टार्ट करेंगे. ये स्टीमर हमारा रेडी हो चुका है, पानी बॉइल हो चुका है. अब हम तैयारी करेंगे ढोकले की. अब हमने 6 इंच का टिन ले लिया है, इसको ऑयल अच्छे से लगा लेना है. तो पहले आप टिन तैयारी करोगे और फिर इस जो ढोकले का बैटर है उसमें हम इनो डालेंगे. तो सबसे पहले मैंने टिन बना लिया, ऑयल लगा लिया इसे. अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ. मैंने रख दिया है ये बाउल, 15 मिनट हो चुके हैं. अब ये जो स्टेप है ना, बहुत फटाफट से करना है, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. मैं 1 टीस्पून मतलब 1 पाउच मैंने इनो डाला है, और ये 1/2 पाउच और इनो, मतलब मैंने 1.5 टीस्पून इनो डाल दिया. अब हम क्या करेंगे, फटाफट से इस इनो को करेंगे मिक्स, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है. अगर आपने यहाँ देर कर दी तो आपका ढोकला डेंस बनेगा, ओके. फटाफट से इसे करते हैं मिक्स और डाल देते हैं टिन के अंदर. इस स्टेप पे आपका स्टीमर रेडी चाहिए, आपका टिन रेडी चाहिए, तो ही आपका जो ढोकला है वो स्पंजी बनेगा. अब मैं फटाफट
से टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ये तेल इसके अंदर रख दूँगी, ढक्कन लगा दूँगी और 15 से 20 मिनट हम इसे स्टीम करेंगे। सो 20 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए कितने अच्छे से फूल गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसे उतार के रख देती हूँ नीचे, और जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा तब हम 15 से 20 मिनट के बाद इस पे देंगे तड़का। सो अब तड़के पैन में हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल, ओके, और तेल को मैं अच्छे से पहले गरम कर लेती हूँ। सो तेल गरम हो गया है, हम इसमें डाल देंगे जीरा, ओके, इसमें कुछ डालेंगे हरी मिर्ची और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। तो पानी मैंने लिया है 1/3 कप, हरी मिर्च मैंने 1 से 2 लिया है और जीरा 1 टीस्पून। सो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर और पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा हम डाल देंगे नमक, एकदम थोड़ा, और ये तड़का हम डाल देंगे ढोकले के ऊपर। सो अब हम डाल देंगे इसके ऊपर तड़का, ओके, सो ये पूरा तड़का इसके ऊपर जाएगा। सो अब हम इसे कट कर लेते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे हम ढोकले को पूरा ठंडा करके उसको तड़का देते हैं, इसमें आपको थोड़ा इसे गुनगुना रखना है और तड़का भी थोड़ा गर्म ही डालना है। जो ढोकले रहते हैं ना, ये थोड़े ड्राई रहते हैं, तो आप इन्हें ऐसे एंजॉय नहीं कर सकते, इसके साथ आपको लगती है एक चटनी, और अब हम बना रहे हैं वो चटनी। तो चटनी के लिए मैं ले रही हूँ रोस्टेड शेंगदाना या मूंगफली 1/2 कप, या 1/3 कप ले सकते हो अगर आपको कम पसंद है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 हरी मिर्ची, तीखापन आपके ऊपर है आपको कितना पसंद है। तो मैंने पकड़ के चलिए 1/3 कप मूंगफली लिया है, 1 हरी मिर्ची ली है और मैंने एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया है जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों को पीस लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे दही। हम इसके अंदर डाल देंगे दही, ये मैंने 3 टेबलस्पून दही डाला है इसके अंदर, और इसमें हम डालेंगे पानी, क्योंकि ये जो चटनी रहती है ना इसकी, ये थोड़ी पतली रहती है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप पानी, और इसे हम घुमा लेंगे, लेकिन इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। सो अब हम इसे घुमा लेते हैं, और अगर मुझे लगेगा पानी कम है तो मैं फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डालने वाली हूँ। सो चटनी के लिए मैं थोड़ा सा तड़का बना रही हूँ, तो मैं 1 टीस्पून इतना डाल रही हूँ तेल, बस 1 टीस्पून बहुत हो जाता है, ओके। इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून इतने जीरे, ओके, और मैं डालूंगी 2 से 3 हरी मिर्च के टुकड़े बस, और ये जाएगा चटनी के ऊपर। सो रेडी हो गया है हमारा फराली ढोकला। ये जो ढोकला है ना, ये गर्मा गर्म ही बनना चाहिए और गर्मा गर्म ही सर्व करना चाहिए। ठंडा होने के बाद इसमें वो मजा नहीं आता है जो गरम गरम आपको खाने में मजा आएगा। तो इसे जरूर ट्राई करना इस नवरात्र में, और कमेंट बॉक्स में डालना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीक।